सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मामले की सुनवाई आज भी वाराणसी के जिला कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 26 मई तक इस बात पर फैसला सुरक्षित रख लिया कि पहले किस मामले की सुनवाई। आज जो कोर्ट पे हुआ है वो आपको बता रहे हैं, ऑर्डर 711 पर पहले सुनवाई होगी, ये तय हो गया है। कोर्ट ने तय कर दिया है कि ऑर्डर 711 पर पहले सुनवाई होगी। दोनों पक्षों को कोर्ट ने वक्त दिया आपत्ति दाखिल करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट पर, और उसकी कॉपी मुहैया कराने का भी आदेश दे दिया है। लेकिन अब 26 मई को पहले इस केस की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होगी ऑर्डर 711 के तहत, यानी ये मामला सुना जाने लायक है कि नहीं है पहले कोर्ट यही तय करेगा। बड़ी भीड़ थी, हम लोग बातचीत करने में थोड़ा सा पीछे रह गए जी। तो क्या रहा? देखिए, कोर्ट ने 26 तारीख को लगाया है, पोषणीयता पे सुनवाई होगी। उसको पोषणीयता कह लीजिए, 7-11 कह लीजिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कह लीजिए, मेंटेनेबिलिटी कह लीजिए, उसी इशू पे 26 तारीख को सुनवाई होगी। जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पर कोर्ट ने कहा है दोनों पक्षों को अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें एक हफ्ते के अंदर, और जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी फाइल हुई है उसमें उसकी भी कॉपी प्रोवाइड की जाए। सर पहले 711 पे सुनवाई होगी जी? 7-11 पहले 7, और फिर ऑब्जेक्शन जो आप लोगों की मांग थी उसमें इसी 26 से पहले ही ऑब्जेक्शन। अब देखिए, ऑब्जेक्शन का कोर्ट ने एक हफ्ते का समय दिया है, अब ये बोलना भी मुश्किल है कि इसकी सुनवाई कितने दिन चलेगी, तब तक ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप लोगों को कितना बल मिलेगा इस पूरी सुनवाई का? हमारा केस मेरिट्स पे बहुत स्ट्रांग है। अगर 7-11 पे सिर्फ हमारा प्लेंट का एवर्मेंट भी पढ़ा जाएगा, अगर हमारे साथ प्लेंट का एवर्मेंट भी पढ़ा जाएगा तब भी हमारा केस 7-11 पे मेंटेनेबल है। 7-11 के लिए तिथि निश्चित कर दी गई है, 26-5 को 7-11 पे बहस शुरू हो जाएगी। जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए माननीय हरिशंकर जैन साहब द्वारा दलील दी गई थी कि उसको अवेल करा दिया जाए, उसके अनुसार हम अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे 7-11 के ऊपर। तो न्यायालय आज डिटेल्ड ऑर्डर दे देगा, जिसके चलते सभी पार्टीज को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो चिप में है वो अवेल करा दी जाएगी। तो अब जो 26 की तैयारी कैसी, 26 की? सर, हमारी तैयारी तो कल से थी, हम कल भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं, आगे भी तैयार हैं। जैसे आर्गुमेंट होगी, जब न्यायालय कहेगा हम आर्गुमेंट करेंगे। अभी तक जो भी पूर्व के फैसले थे सब यथावत रहेंगे। 26 तारीख के बाद सुनवाई के बाद क्रमशः जो है फिर उसमें देखा जाए, डेट वाइज देखा जाएगा सभी मामलों पर। और जो आप वीडियोग्राफी है फोटोग्राफी है इसके लिए हम लोग कहे तो कहे आप उसका शुल्क दीजिए और आपको मिल जाएगा। हिंदू पक्ष ये अपने में एक विजय की पहली सीढ़ी मानता है। इसलिए हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ। मदन जी, आज क्या कुछ हुआ? माननीय न्यायालय ने आज स्पष्ट कर दिया कि 711 पे बहस हम अगली सुनाएंगे, यानी 26 तारीख को, और जो भी पूरक प्रार्थना पत्र है उसके बाद निस्तारित करेंगे। और साथ में हमने माननीय न्यायालय से स्पष्ट कहा कि हमें सीडी और जो भी फोटोग्राफ्स हैं वो उपलब्ध कराएं, उसका अध्ययन हम करना चाहते हैं। तो माननीय न्यायालय ने आश्वस्त किया कि सब आपको उपलब्ध कराते हैं। यानी जो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी उसे अभी मंजूर नहीं किया, उस पर कोर्ट सुनवाई विचारण के लिए उन्होंने माननीय न्यायालय ने समय दे दिया। क्या टाइम दिया है? अगली 26 तारीख 2 बजे। अच्छा, और भी किसी मामले पर सुनवाई होगी? ये पूरी तरह माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे फोकस्ड है, ये केवल बाकी जो बाकी अर्जियां थी उन पर क्या उसके बाद विचारण करेंगे। पहले 26 जी। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई उस पर बात कर लेते हैं हिंदू पक्ष के वकील रंजन जी से। रंजन जी, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों की तरफ से मांग रखी गई है कि डे टू डे हियरिंग बराबर होती रहे, कोई माहौल ऐसा ना हो कि जिसमें कोई अपनी बात रखना पाए, भले हिंदू पक्ष की बात रखनी है कि भाई निष्पक्ष जांच हो, सब कुछ सामने खुल के आवे, ऐतिहासिकता भी आवे, जजमेंट भी आवे, और हमारे अनुभवी जस्टिस लोग जो हैं वो अपने अनुभव का प्रमाण पत्र भी देंगे। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ही है कि भाई जो भी सर्वे में आए सामने उसको एकदम पारदर्शी तरीके से उसके सामने रखा जाए। बाद की पोषणीयता को लेकर सवाल उठाए गए थे, उस पर क्या कुछ? कोई सवाल नहीं है, मुस्लिम पक्ष भी पूरी तरह तैयार है, सहयोग कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू पक्ष भी भाईचारे का संबंध निभा रहे हैं। वो चारों महिलाएं मौजूद हैं जो कि इन्होंने वाद दाखिल किया था, हम बारी बारी से उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, आज तो सुनवाई टल गई 26 तारीख तक? टली नहीं है सुनवाई, 26 से आदेश हुआ है कि 26 से चलेगी सुनवाई। तो आप लोग किस तरीके से लेते हैं? हम लोग अच्छे से मतलब लेते हैं कि मतलब हम लोग की सुनवाई होगी, माता सिंगार गौरी का केस आगे बढ़ेगा, बाबा भोलेनाथ का भी केस आगे बढ़ेगा, इसीलिए आज हम लोग खुश हैं कि 26 से कंटिन्यू चलेगा। मुस्लिम पक्ष ने जो आप लोगों ने बात
हिंदू पक्ष के वकीलों और वादियों की बात आपने सुन ली, लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अहमद ने आज की सुनवाई पर जो कुछ कहा अब आप वो देख लीजिए। आज आदेश के लिए फाइल सुरक्षित थी और आदेश होना था, तो किस चीज पर कोर्ट सुनवाई करेगी प्रथमता यही देखा जाना था। तो कोर्ट ने फाइल का पूरा परिशीलन करने के बाद ये निश्चित पाया कि इसमें आर्डर 7 रूल 11 की एक दरखास्त पहले से पेंडिंग है 35 का, उसी की सुनवाई होना है। उसी पर कोर्ट ने आदेश पारित किया कि ये 26 मई से इसकी सुनवाई प्रारंभ होगी। इधर ज्ञानवापी और कुतुब मीनार विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एबीपी गंगा से खुलकर बात की। गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। सर, ये ऑल इंडिया मुस्लिम जो AIMIM पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, उनका एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान दिया है। उसमें कहा है कि मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। ये बयान ओवैसी साहब के हवाले से छापा दिया गया है उनकी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर। मेरा मानना है कि ओवैसी भारत के सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं। ये बयान नहीं है बल्कि गाली दे रहे हैं भारत के सनातन को। मैं कहूंगा कि ये ओवैसी वही हैं जो पूरा परिवार जहर उगलते हैं भारत के सनातन, भारत के हिंदुओं पर। ये ओवैसी अगर 1947 के पहले होते ये सुपर जिन्ना होते, और आज के भी ये सुपर जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी कम से कम गुलाम नबी आजाद से सीख तो लें, सभ्यता और संस्कृति तो लें। गुलाम नबी आजाद भारत के हिंदुओं को गाली नहीं दिया, लेकिन ये तो गाली दे रहे हैं। ये देश को कतई बर्दाश्त नहीं है, सामाजिक समरसता को तोड़ना चाहते हैं और ये दुनिया जानता है। अगर ये नहीं है तो औरंगजेब के दरगाह और कब्र पे कौन गया था चादर पहुंचाने? अगर मुगलों के से इनको स्नेह नहीं है तो बाबर की तारीफ कौन करता? ये तो सारे उन लोगों की तारीफ करते जो भारत के मुगल आक्रांता और लुटेरा थे।